दुनिया में सच्चे प्रेम का उदाहरण देने के लिए राधा कृष्ण को जरूर याद किया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम की अटूट कहानी युग युगांतर तक अमर है। यद्यपि राधा कृष्ण का प्रेम मिल नहीं पाया था, दोनों की शादी नहीं हो पाई, फिर भी प्रेम का यदि कहीं सच्चा उदाहरण देखने को मिलता है तो वह है शक्ति व शिव का अथवा राधा कृष्ण का। जी हाँ दोस्तों, राधा कृष्ण ही प्रेम के वे दो पुजारण थे जिन्होंने संसार में प्रेम के वास्तविक रूप को बताया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ट्यूलिप सीक्रेट्स में स्वागत है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले प्रेम के लिए त्याग क्या होता, इस बात को दुनिया के सामने हमेशा के लिए अमर कर दिया। कृष्ण जब 8 साल के थे तब राधा और कृष्ण दोनों की प्रेम की गहरी अनुभूति का मिलन हो गया था। कहा जाता है कि राधा व कृष्ण के प्रेम जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। नंद नंदन मुरली मनोहर बंसी बजाने वाले कन्हैया को संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा। कन्हैया की बंसी की मधुर तान से राधा कन्हैया की तरफ खींची चली जाती थी। कभी कभी राधा कन्हैया की बंसी को चुरा ले जाती थी, नटखट कन्हैया फिर भी उसको ढूंढ लेते थे। अतः राधा कृष्ण के प्रेम संसार को एक नई प्रेरणा देने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि आज हम आपको राधा की मृत्यु कैसे हुई यह बताने जा रहे हैं। राधा कृष्ण के चाहने वाले हम सभी को भले ही यह बात थोड़ा दुखद सी लगती है, लेकिन यह सत्य है कि राधा कृष्ण से मिल नहीं पाए। राधा की शादी कहीं और हो गई, इसके पश्चात ही राधा मृत्यु भी हो गई थी। आइए जानते हैं राधा की मृत्यु कैसे हुई, इसका पूरा रहस्य पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे तो आपने सुना होगा कि राधा के बिना श्याम आधा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा कृष्ण के अटूट प्रेम की अटूट गीत संगीत रस से भरे गाने भजन आज भी प्रेम की राह पर चलने वालों के लिए अमृत रस के समान है। बात यह तब की है जब कृष्ण के मामा कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। आखिरी बार राधा कृष्ण से मथुरा जाने से पहले ही मिली थी। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा से यह वादा किया था कि वह राधा से मिलने जरूर आएंगे, लेकिन कन्हैया यह वादा पूरा ना कर सके और कृष्ण की मुलाकात दोबारा ना हो सकी। एक और समय के चलते कृष्ण ने भी रुक्मणी से शादी कर ली थी, तो वहीं दूसरी ओर वृंदावन से कृष्ण के चले जाने के बाद राधा की भी बाद में किसी यादव से शादी हो गई थी। वृंदावन कृष्ण के चले जाने के बाद बिल्कुल सूना हो गया था। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना अटूट था कि जबकि विवाह दोनों ने कहीं किया, लेकिन वास्तविक प्रेम राधा और कृष्ण का एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए बना रहा। इस प्रकार राधा और कृष्ण की यह प्रेम कहानी विरह की कहानी बन गई। पुराणों में राधा की मृत्यु का उल्लेख पाया गया है, वहीं नारद पुराण में तो राधा कृष्ण का मिलन होना भी बताया गया है। यूं तो राधा ने अपना जीवन कन्हैया के बिना वैसे ही बिता लिया था जैसे मानो जल बिना मछली। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले दिल के अरमां मचलने लगे हैं, जैसे जल के बिना तड़पे मछली हम भी ऐसे तड़पने लगे हैं। इस तरह कृष्ण के प्रेम दीवानी राधा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण के प्रेम में ही अर्पित कर दिया। अंत समय में राधा कृष्ण को मिलने द्वारका पहुंचती हैं, यहीं से राधा की मृत्यु की कहानी जुड़ जाती है। द्वारका पहुंचने के बाद राधा अपने प्रियतम कृष्ण से मिलकर प्रेम आंसू बहाती हैं। वह कन्हैया को बंसी बजाने के लिए कहती हैं। इस तरह द्वारका में राधा काफ़ी समय तक कृष्ण के साथ गुप्त रूप से रहने लगती हैं। बाद में राधा को एक दिन अचानक कन्हैया से दूर जाने का मन हुआ, अर्थात राधा को यह लग गया था कि अब कृष्ण को पाने के लिए मुझे फिर से कन्हैया के हृदय में अपना स्थान स्थापित करना होगा। तब राधा दूर जंगल की ओर चली जाती हैं और कन्हैया को बुलाती हैं। अंतिम बार राधा अपने प्रियतम कन्हैया से मिलते हुए प्रेम में डूब जाती हैं। कन्हैया राधा से कुछ मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन राधा मना कर देती हैं और कन्हैया के दोबारा कहने पर राधा बंसी बजाने की मांग करती हैं।
इस प्रकार कन्हैया मधुर ही मधुर धुन में बंसी बजाने लगते हैं और राधा कन्हैया की बंसी में शुद्ध बुद्ध विसारती हुई तन मन खोती हुई अपने को समर्पित कर देती हैं। राधा कृष्ण के विलीन हो जाती हैं और उनके प्राण कृष्ण में समा जाते हैं। इस प्रकार राधा की लौकिक लीला कृष्ण के हृदय स्थल में जाकर समा जाती हैं। दोस्तों, अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते रहें अगली वीडियोज़ में।